उसमें काफी कुछ है, उसे वैसे पीकर शायद आप मर जाएंगे। आप में भी जहर फैल रहा है। सब्जियों को पानी से धोना अच्छा है, पर आप रसायन या केमिकल से भरे पानी से धो रहे हैं। रसायन से भरा पानी से मेरा मतलब है क्लोरीन, जो आप इसमें डाल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप ये समझें। इस धरती पर जीवन की प्रकृति ऐसी है कि जो एक प्राणी के लिए जहर है, वो दूसरे प्राणी के लिए भी जहर की तरह ही काम करता है, शायद उसी हद तक नहीं। जो चीज बैक्टीरिया को मारती है, वो आपको भी एक तरह से मारती है, क्योंकि आपके शरीर का 52% हिस्सा बैक्टीरिया है। वो आपको भी एक तरह से मारता है, शायद आप मरेंगे नहीं, पर ये आपको मारता है। तो अगर आप क्लोरीन से बैक्टीरिया को मारते हैं, तो आप एक तरह से अपने एक हिस्से को भी मारते हैं, पर आपने ये खुद चुना है, क्योंकि लोग बड़ी संख्या में एक जगह रहने लगे हैं, प्रेम की वजह से नहीं, बल्कि लालच, मजबूरी और दूसरी चीजों की वजह से। तो जब लोग एक जगह ऐसे इकट्ठे होते हैं, तब कई तरह की मिलावटें होती हैं। इस चीज को रोकने के लिए हम पानी में जहर डालते हैं, क्योंकि उसमें काफी कुछ है, उसे वैसे पीकर शायद आप मर जाएंगे। तो आप मारना चाहते हैं। हर दिन रासायनिक युद्ध हो रहा है, पानी के जीव, शरीर के जीव और आप खुद, सभी लड़ते हैं। आप खुद एक जीव हैं, आप में भी जहर फैल रहा है। तो सब्जी को नल के पानी से धोना सबसे अच्छा नहीं है। अगर नल का पानी क्लोरीन मुक्त है तो धोना ठीक है, वरना इसका बेहतर तरीका है, जैसे कि आमतौर पर भारत में करते हैं, आपको कोई और पानी नहीं मिल सकता है, पानी में क्लोरीन है ही, तो आप पानी में थोड़ी सी विभूति और हल्दी डालकर सब्जियों को 15-20 मिनट भिगो दें। ये क्लोरीन वाले पानी से धोने से बेहतर है। आज पानी को शुद्ध करने के कई तरीके हैं, शुद्धिकरण के आधुनिक तरीके हैं, पर वे पब्लिक पाने के लिए नहीं है। घरों में अलग अलग तरह के शुद्धिकरण होते हैं, जिनसे पानी शुद्ध हो सकता है। कम से कम पीने के पानी को सभी रसायनों से मुक्त करना अच्छा है। तो पानी से धोने की बजाय आप उसमें हल्दी और पवित्र राख डाल सकते हैं। अगर पवित्र राख नहीं है तो आप बस हल्दी डाल सकते हैं, थोड़ा नमक और हल्दी ठीक रहेगी। या आप नीम डाल सकते हैं। आप घर पर कुछ नीम के पत्ते रख सकते हैं, रोज आप उसी पानी को धो सकते हैं, यही नीम की खूबसूरती है। अगर आपके पास एक बाल्टी है जिसमें नीम है, तो आप रोज उसी में सब्जियां डाल सकते हैं और अपनी सब्जियां निकालकर पानी को बंद रख सकते हैं। धातु का बर्तन सबसे अच्छा है। अगर तांबे या पीतल का कंटेनर हो तो अच्छा है, वरना स्टील का कंटेनर या कांच भी ठीक है।